हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटी टीवी रस के क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पर्यायवाची के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपकी कई परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए हैं। और आपकी जो होने वाली परीक्षा है, जैसे UPPET हो गया और आपका UPSI का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें केवल हमने 20 प्रश्न लिया है जो आपके पर्यायवाची होते हैं उन्हीं से। तो ये आप पर्यायवाची के 20 प्रश्नों का टेस्ट समझिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो चार ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है सुंदरी, दूसरा दिया है दुर्गा, तीसरा दिया है लक्ष्मी मछली, और चौथा दिया है लक्ष्मी। तो चार ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए, मीनाक्षी शब्द जो है ये दुर्गा शब्द का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कहा आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, पहला दिया है सर्प, दूसरा दिया है ऐ, तीसरा दिया है विस्तर, और चौथा दिया है तुरंग। देखिए, नाग शब्द का पर्यायवाची सर्प, ऐ और विस्तर तीनों होता है, लेकिन तुरंग शब्द जो है ये नाग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दैत्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य शब्द के तीन पर्यायवाची दिए और एक नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है। तो पहला दिया राक्षस, दूसरा दिया दानव, तीसरा दिया निशाचर, तीसरा दिया भूसुर, और चौथा दिया निरसाचर। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, भूसुर, ये जो है दैत्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी राक्षस, दानव और निशाचर तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो देखिए, विपट दिया है पहला, दूसरा प्रसून, तीसरा तड़का, और चौथा दिया है हेरम। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, विपट शब्द जो है ये रुक शब्द का पर्यायवाची है, नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसमें से बताना है। तो पहला दिया है आपका कमलासन, दूसरा दिया है चतुरानंद, तीसरा दिया है आपका चतुर्भुज, और चौथा दिया है चतुर्मुख। तो जो ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची है ये कमलासन, चतुरानंद और चतुर्मुख, ये तीनों होता है, लेकिन चतुर्भुज नहीं होता है, ये आपका विष्णु का पर्यायवाची होता है चतुर्भुज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, बताना है आपको। तो पहला दिया है आपका, सॉरी, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो पहला दिया है सलभ, दूसरा दिया है चंचरी, तीसरा दिया है शिलालेख, और चौथा दिया है मिलंदी। तो जो आपका भ्रमर शब्द है इसका पर्यायवाची चंचरी, शिलालेख और आपका जो मिलंद दिया है, ये तीनों होता है, लेकिन जो सलभ शब्द दिया है ये भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है पुरंदर, दूसरा दिया है शक्र, तीसरा दिया है माधव, और चौथा दिया है गणाधिपति। तो जो आपका इंद्र शब्द है इसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, पुरंदर, शक्र और माधवा ये तीनों तो इंद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो गणाधिपति है ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए हृदय गर्भ शब्द का पर्यायवाची कौन सा है आपको बताना है। हृदय गर्भ, तो पहला दिया है विष्णु, दूसरा दिया ब्रह्मा, तीसरा दिया महेश, और चौथा दिया गणेश। तो इसमें से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। देखिए, हृदय गर्भ जो शब्द है इसका पर्यायवाची हो जाएगा ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दास शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला दिया है अनुचर, दूसरा दिया परिकर, तीसरा दिया है भृत, और चौथा दिया है सेवक। तो जो दास शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है जिसमें परिकर दिया है, ये जो है आपका दास शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अनुचर, भृत और सेवक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, मतलब पर्यायवाची शब्द किसको कहा जाता है। पहला दिया विलोमार्थी, दूसरा दिया प्रतिलोमवाची, तीसरा दिया है समान भाषा, और चौथा दिया समानार्थी। तो आपका जो पर्यायवाची शब्द है इसका जो अर्थ होगा ये होगा समानार्थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो पहला दिया कालिंदिनी, दूसरा दिया भागीरथी, तीसरा दिया यामिनी, और चौथा दिया है कालिंदी। तो यमुना शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो हो जाएगा आपका कालिंदी। देखिए, यमुना शब्द का जो पर्यायवाची है कालिंदी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निषिद्ध शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो निषिद्ध जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या नहीं है ये बताना है। देखिए, चार ऑप्शनों में पहला दिया है रात्रि, दूसरा दिया रजनी, तीसरा दिया है तम, और चौथा दिया निशा। तो
जो आपका तम शब्द है ये निषिद्ध शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए निषिद्ध का मतलब रात्रि, रजनी और निशा, ये तीनों इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए प्राची शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। तो पहला दिया प्राचीन, दूसरा दिया प्राकृतिक और तीसरा दिया पूर्व और चौथा दिया प्राज्ञा। तो जो प्राची शब्द है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए प्राची शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका पूर्व, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो पहला दिया पुष्कर, दूसरा दिया फूल और तीसरा दिया जलधि और चौथा दिया है ऊर्जा। तो जो आपका तुरंग शब्द तरंग शब्द है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो उर्मी जो शब्द लिखा है सॉरी, यहाँ ऊर्जा की जगह पे उर्मी होना चाहिए था, उर्मी उर्मी इस तरह से। ये सर दोस्तों जो है टाइपिंग में को थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ये सही हो जाएगा, उर्मी जो है ये तरंग शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। देखिए इस जो आपका 20 क्वेश्चनों का जो आपका प्रैक्टिस सेट है इसका जो वीडियो का लिंक है दोस्तों, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का दे दिया जाएगा, आप लोग PDF फॉर्म से डाउनलोड करिएगा और ये सुधरा हुआ आपको मिलेगा वहाँ। देखिए जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है प्रमोद, दूसरा दिया विश्राम, तीसरा दिया है कांतार और चौथा दिया दीव। तो जो जंगल शब्द है इसका पर्यायवाची आपका हो जाएगा कांतार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्रोध शब्द का जो पर्यायवाची है वो बताना आपको कौन सा है। तो पहला दिया है संताप, दूसरा दिया अमर्ष, तीसरा दिया वैमनस और चौथा दिया है भांति। तो जो क्रोध शब्द है इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा ये हो जाएगा अमर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योत शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो पहला दिया है वचन, दूसरा दिया है रसना, तीसरा दिया है ध्वनि और चौथा दिया है जीव। तो जो जीव शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा रसना, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, जीव शब्द का पर्यायवाची रसना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला दिया है सरी उरुक, दूसरा दिया है सरीसृप, तीसरा दिया है पौनास और चौथा दिया है सिंधु। जो अहि शब्द है इसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो जो आपका सरीसृप है ये अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से बताना है। तो चार ऑप्शनों में से पहला दिया सत्कृत, दूसरा दिया चमत्कृत, तीसरा दिया प्राकृतिक और चौथा दिया चतुर्दिक। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा, नरसैकिक शब्द का पर्यायवाची प्राकृतिक है। देखिए दोस्तों मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको मैंने आपको ऐसे वन लाइनर के फॉर्म में मतलब प्राकृतिक शब्द इसका पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। दो वीडियो में आपको 10-10 प्रश्न पर्यायवाची किसी टाइप के दिए हैं और आने वाली वीडियो में भी आपको इसी टाइप का दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला दिया है कट, दूसरा दिया हाथ, तीसरा दिया पाणी और चौथा दिया कर। जो हाथ शब्द है इसका पर्यायवाची जो है आपका हस्त और पाणी और कर, ये तीनों होता है, लेकिन जो कट शब्द है ये हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कट जो है हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दोस्तों ये हुआ आपका 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, आप इसको सॉल्व करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।